Good morning, students. How are you all? I hope you are safe and healthy at your home. Okay, children, yesterday we completed rhyme, but I couldn't send your answers. Today I will send the answers of the rhyme, the wonderful words. So today we will do a new lesson, Fair Play. Children, it's about two friends, two best friends. Now, we should do some warm up. It's that if your best friend has done something wrong, अगर आपके best friend ने कुछ wrong कर दिया है तो what will you do? आप अपने friend से कहोगे हाँ चुपचाप बस इसलिए चुप रह लोगे because he or she is your best friend. So what will you choose, your friendship or the truth? So this is the story all about. And anyway, children, we should always stand with truth, because friendship, if it's true, it will remain. मतलब अगर हमें हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहना है, अगर हमारी friendship सच्ची है तो वो हमारे साथ रहेगी, otherwise it will not. तो और it's our duty that if our best friend is doing something wrong, is going on a wrong pathway, wrong way, so we should definitely stop him or her. हमें से रोकना चाहिए वहां जाने से, कुछ करने से, गलत करने से. Okay, now let's start. Fair Play, Part 1. Juman Sheikh and Alku Chaudhary were two good friends. They were two best friends. In fact, it is written good friends, but according to the story, they are best friends. Juman Sheikh and Alku Chaudhary. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. ये कह रहे हैं उनकी friendship इतनी strong थी, इतनी अच्छी थी कि दोनों में से कोई एक भी अगर गांव से बाहर किसी काम से जाता था तो दूसरा उसकी family का ख्याल रखता था. इसी वजह से दोनों की बहुत रिस्पेक्ट थी पूरे गांव में, क्योंकि दोनों की इतनी अच्छी फ्रेंडशिप थी कि एक भी अगर कहीं जा रहा है तो दूसरा उसकी फैमिली का ख्याल रख रहा है, और दोनों की फ्रेंडशिप इतनी अच्छी थी तो इसीलिए पूरा गांव उनकी रिस्पेक्ट करता था. जुम्मान शेख हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. उनकी एक ओल्ड आंट थी. आंट मतलब बुआ भी हो सकती है, मासी भी हो सकती है, मामी भी हो सकती है. Who had some property? उनकी कुछ प्रॉपर्टी थी. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. और उन्होंने क्या किया, वो सारी प्रॉपर्टी किसके नाम कर दी, जुम्मान शेख के. क्यों कर दी, क्योंकि जुम्मान ने प्रॉमिस किया अपनी आंट से कि अब सारी उम्र, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चली थी तो सारी उम्र वो उनके साथ रहेंगी और वो उनका ख्याल रखेगा, ध्यान रखेगा. द अरेंजमेंट वर्क्ड वेल फॉर अ कपल ऑफ इयर्स. शुरू के कुछ सालों में तो ये सब कुछ बहुत अच्छा रहा. उन्होंने वो अच्छे से रहती रही और जो मान ने उनका बहुत ख्याल रखा और बहुत अच्छे से रखा. देन द सिचुएशन चेंज. लेकिन कुछ सालों बाद जो है परिस्थितियां बदलती चली गई. जुम्मान एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. जुम्मान और उसकी फैमिली अब उन बूढ़ी आंटी से तंग आ चुके थे. जुम्मान बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वॉन्टेड एवरी डे. ग्रज्ड मतलब चिल्ड्रन, जो देना ना चाहता हूं, जब देने का हमारा मन ना करे और हमें जबरदस्ती देना पड़े. तो इन्होंने कहा है कि धीरे सब कुछ, शुरू में तो कुछ सालों तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन बाद में जो है हालात खराब होते चले गए, परिस्थितियां खराब हो गई. जुम्मान और उसकी फैमिली के लिए अब वो आंटी, बूढ़ी आंटी बोझ हो गई, उनका वो नहीं रखना चाहते थे. तो जुम्मान उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करने लगा, ऐसे करने लगा जैसे वो उनको जानता ही नहीं हो. और जुम्मान की फैमिली भी ऐसी करने लग गई. उनकी वाइफ जो उनको थोड़ा बहुत खाना पूरे दिन में चाहिए था वो उसको देने से भी उसको अच्छा नहीं लगता था, वो भी देना नहीं चाहती थी, उनको बहुत मुश्किल से देती थी वो खाना भी.
She swallowed these insults along with her food for a few months. कुछ महीनों तो उन्होंने अपनी ये इंसल्ट बेइज्जती सहन करी खाने के साथ, उसको भी पी लिया, खा लिया, जो उन्होंने गालियां दी, गलत बोला, गलत व्यवहार, उन्होंने सब सहन कर लिया कुछ महीने तो. बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट. बट सब्र की भी चिल्ड्रन एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है, कि जब हम जहां तक हम सहन कर सकते हैं, सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है. वन डे शी स्पोक टू जुम्मान, एक दिन उन्होंने जुम्मान से कहा, माई सन इट इज नाउ ऑब्वियस डेट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस. बोले ये मुझे एहसास हो गया है और अब मुझे लग गया है कि मैं अब तुम्हारे घर में, तुम लोग मुझे और नहीं चाहते अपने घर में. काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो डेट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. कह रहे तुम मुझे महीने का खर्च दे दो, महीने के मेरे कुछ रुपए बांधो जो तुम मुझे हर महीने दे दो, ताकि मैं अपनी एक अलग रसोई बना लूँ, एक अलग घर बना लूँ, एक अलग से रह लूँ मैं. अब इन आंटी के पास चिल्ड्रन कोई पैसा नहीं था. क्यों? इनके पास जितनी प्रॉपर्टी थी इन्होंने जुमान को वो दे दी थी. तो अब इन्होंने कहा कि भाई मुझे महीने का खर्च दे दो, मुझे महीने के कुछ पैसे दे दो जिससे मेरा घर खर्च चला सकूं, मैं अपना से अलग से जो है किचन बना लेती हूँ, घर बना लेती हूँ. My wife knows best how to run the house. Be patient, said Jumman shamelessly. Shamelessly मतलब बिना शर्मिंदगी के, जिसको कुछ भी शर्म नहीं आए, बिना शर्म के उसने कहा, मेरी वाइफ को ये घर चलाना ज्यादा अच्छे से आता है, आप थोड़ा सब्र रखो, शांत रहो, पेशेंस रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा. This made his aunt very angry. And she decided to take her case to the village panchayat. इस बात से उनको बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि जो माने का मेरी वाइफ आपसे ज्यादा अच्छा घर चला लेती है, वो सब कुछ ज्यादा अच्छे से जानती है, तो आप चुपचाप बैठे रहो. This made this. अब उनकी आंटी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने सोचा ये बात वो विलेज पंचायत तक लेके जाएंगी, उनको बताएंगी कि उनके साथ क्या हो रहा है. For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. चिल्ड्रन कुछ दिन तो उन्होंने गांव के हर आदमी से जो भी मिले उससे बातचीत करी, उसको अपना सारा किस्सा बताया, ताकि वो सब उनका, सब विलेज पंचायत में उनका सपोर्ट करें. Some sympathized her with her, others laughed at her, and a few others advised her. Sympathize मतलब सहानुभूति रखना. अब कुछ लोगों ने तो सहानुभूति रखी, कुछ लोगों ने तो सहानुभूति रखी, कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, और कुछ ने उनको सलाह दी. क्या सलाह दी? कुछ ने उनको सलाह दी, मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ. और कुछ ने सलाह दी, भाई अकेले कैसे रहोगे, कैसे गुजारा होगा, इससे अच्छा है आप अपने भतीजे या भांजे के साथ रहो, उनकी वाइफ के साथ बना के चलो. मतलब उनको सलाह दी कि वो ही बना के चले. एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम. और सबसे लास्ट में वो उनके बेस्ट फ्रेंड अलगू चौधरी के पास आई और उससे कहा, यू नो चाची, अलगू इज माई बेस्ट, उसको सारी बात बताई. तो अलगू ने जवाब दिया, चाची यू नो अलजुमान इज माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम. अलगू सेड, उसने कहा, अरे आपको पता है चाची, जुम्मान मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके खिलाफ कैसे जाऊं. बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर. ये कह रहे, एक बात बताओ बेटे, क्या ये बात सही है कि सच्चाई सुनकर भी तुम अपना मुंह बंद रखो, चुप रहो, और जो गलत हो रहा है उसको सहो, जो सच है, सही है, उसको ना बोलो. प्लीडेड द ओल्ड लेडी, उसने बड़ी उससे गुजारिश करी कि क्या ये बात सही है कि मतलब तुम भले ही तुम्हारा वो फ्रेंड है, लेकिन अगर गलत कर रहा है तो गलती पे भी चुप रहो, गुनाह उसके गुनाह पे भी चुप रहो, उसको कुछ नहीं समझाओ, जो सच है सच ना बोलो, और गलत पे भी चुप रहो बस. कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ.
शी सेड, बोली चलो मेरे साथ पंचायत चलो और सबको सच्चाई बताओ. अलगू डिंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स. अलगू ने जवाब तो नहीं दिया चिल्ड्रन, लेकिन उसके कानों में वो आवाज गूंजती रही जो वो आंटी ने कहा थी, कही थी कि सच्चाई पर भी, सच्चाई जानते हुए भी, सब कुछ सुनते हुए भी, मानते हुए भी चुप रहो, मौन रहो और सच ना बोलो. जो चल रहा उसको गलत, जो हो रहा उसको होने दो. तो ये तो गलत है ना चिल्ड्रन. द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री. और उसी दिन शाम को जो पंचायत बैठी, कहां पर, गांव के जो पुराना बरगद का पेड़ था उसके नीचे. जुम्मान स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड. अब जुम्मान ने कहा कि जो ये जो पंच लोग होते हैं, पंचायत के लोग होते हैं, जो डिसीजन लेते हैं उनका फैसला मेरे लिए भगवान का फैसला होगा, उनकी आवाज मेरे लिए भगवान की आवाज होगी, वो जो कहेंगे उसको मैं भगवान का हुक्म समझ के मान लूंगा. लेट माई आंटी नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन. कहते मेरी जो आंटी है उन्हीं को बता लेने दो कि इन पंचों का हेड कौन है, कौन मेन डिसीजन लेगा. मैं अपनी आंटी का हुक्म सराखों पर, मैं उनका हुक्म सराखों पर मान लूंगा. जो वो कहेंगी उनका जो डिसीजन होगा वो मैं मान लूंगा. द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी. वट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड. बोले पंच जो है ना तो दोस्ती मानते हैं ना दुश्मनी जानते हैं. तुमने अलगू चौधरी से क्या कहा? अब आंटी ने पूछा. फाइन रिप्लाइड जुम्मान हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक. अब जुम्मान को तो पता था कि उसका फ्रेंड उसके खिलाफ नहीं जाएगा, तो उन आंटी ने पूछा था भाई जो पंच है वो तो दोस्ती और दुश्मनी दोनों को ही नहीं मानती, लेकिन तुमने अपने फ्रेंड अलगू चौधरी को क्या कहा, वो कैसे बदल गया? तो अब जुम्मान को तो पता था कि अलगू चौधरी उसका बेस्ट फ्रेंड है, वो उसके खिलाफ नहीं जाएगा. तो उसने कहा बहुत अच्छे, और वो अपनी ये बोल के पंचों के सामने अपनी खुशी छिपा रहा था कि उसको खुशी इस बार की थी कि सब उसके पक्ष में थे, सब उसके फेवर में थे. उसका बेस्ट फ्रेंड भी उसके फेवर में था, आंटी की फेवर में नहीं था. चाची यू आर अफेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मान, सेड अलगू. अब अलगू ने कहा चाची आपको मेरी फ्रेंडशिप का तो पता ही है जुम्मान के साथ. आई नो डेट रिप्लाइड द आंट, बट आई ऑल्सो नो डेट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियसनेस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप. अब चिलन अलगू ने कहा चाची आपको तो पता ही है मेरी जुम्मान से कितनी खास दोस्ती है, आपको हमारी दोस्ती के बारे में तो सब कुछ पता ही है. मतलब जब चाची ने पंचों के सामने कहा ना कि तुमने जुम्मान से कहा कि तुमने अलगू को क्या सीखा, पढ़ा दिया, क्या समझा दिया, तो अलगू नहीं चाहता था कि वो जुम्मान के खिलाफ जाए. तो वो चाची को बोला चाची आपको तो सब कुछ पता ही है हमारे फ्रेंडशिप के बारे में, कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है, कितनी खास फ्रेंडशिप है. और मतलब उसका मतलब था कि फिर भी वो उसको कह रही है कि तुम उसके खिलाफ जाओ, तो बोले वो मैं नहीं जा सकता, इसका मतलब ये था. आई नो डेट रिप्लाइड द आंट, बट आई ऑल्सो नो डेट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियसनेस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप. अब वो आंटी कह रही है कि हाँ मैं भली भांति से जानती हूँ तुम्हारी फ्रेंडशिप, मुझे पता है तुम्हारी फ्रेंडशिप का, बट क्या तुम अपने जमीर की को मार दोगे सिर्फ अपनी दोस्ती के लिए? क्या तुम अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनोगे? क्या तुम अपनी आत्मा की आवाज को भी अपनी दोस्ती के लिए मार दोगे? गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस. अब उस ओल्ड लेडी ने कहा कि भगवान तो इन पंचों के दिल में बसते हैं और इसीलिए इन पंचों का जो फैसला होगा मेरे लिए वही भगवान का फैसला होगा, क्योंकि इस औरत के लिए, उन आंटी के लिए, उन पंचों में के दिल में जो है भगवान बसते हैं. एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और उन्होंने अपना सारा किस्सा उन पंचों के सामने रखा, सारा बताया. जुम्मान सेड
said अलगू, you and I are old friends. अलगू ने कहा कि जो मान हम दोनों बहुत पुराने और बहुत अच्छे दोस्त हैं. Your aunt is as dear to me as you. लेकिन तुम्हारी आंट भी मुझे उतनी ही प्यारी है जितनी तुम हो. Your aunt is as dear to me as you know. वो मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझे उतना ही प्यार करती है और वो मेरे उतने ही नजदीक है. Now I am a punch. अब चलन अलगू चौधरी असल में एक पंच था, पांचों में से एक ये भी था. You and your aunt are equal before me. What have you to say in your decision? अब अलगू ने कहा कि मैं भी पंच में ही शामिल हूँ, तो मेरे लिए तुम्हारा रवैया और आंट का रवैया अलग अलग नहीं है, तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो. What have you to say in your decision? अब अलगू ने पूछा कि अब तुम्हें क्या कहना है, अब तुम्हारा क्या डिसीजन है. What have you to say in your defense? अब तुम्हें अपने अपने पक्ष में, अपने आप के बचाव में क्या कहना है वो बताओ. 3 years ago began Juman. My aunt transferred property to me. I promised to support her as long as she lived. I have done all I could. तो अब जो माँ ने कहा कि 3 साल पहले की बात है, मेरी आंट ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दी थी, सारी दे दी थी, और इस शर्त पे दी थी कि मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि आज के बाद, आज से मैं आपका ख्याल रखूंगा, आप मेरे साथ रह सकती हैं. और बोले मेरा जो बन पड़ा, मेरे से जो हुआ वो मैंने उनके लिए किया. देयर हैव बीन अ कपल ऑफ कॉल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर चिल्ड्रन बाई आई कांट स्टॉप इट. वो कह रहे हैं मैं मानता हूँ कई बार, कई दिनों तक मेरी वाइफ और बच्चों के साथ मेरी आंटी का काफी झगड़ा हुआ है. कॉल्स मीन झगड़े. लेकिन मैं उनको रोक नहीं सकता. नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी. दिस इज नॉट पॉसिबल. डेट्स ऑल आई हैव टू से. लेकिन कह रहे कि मैं वो झगड़े तो रोक नहीं सकता जो मेरी आंट, मेरी वाइफ और मेरे बच्चों के बीच में होते हैं. लेकिन अब मेरी आंट को जो है महीने का घर खर्च चाहिए अलग से रहने के लिए, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे लिए इम्पॉसिबल है. तो दिस इज अप टू हियर वी हैव रेड. सो नेक्स्ट वी विल रीड टुमारो. ओके चिल्ड्रन, बाय फॉर टुडे. थैंक यू.